और हम सब अपने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। ठीक, अब इसमें ये हो जाता ना कि कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानने लगते हैं। ये कभी नहीं करना। अगर आपकी प्रॉब्लम, मान लीजिए अभी मैम ने कविता सुनाई थी कि अगर प्रॉब्लम्स कोरोना वायरस है तो योद्धा भी खड़े हैं जो आपके साथ में लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। इसलिए आपको भी खुद के लिए लड़ना है और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए है, इसलिए कविता लिखी है 2016 में। और बहुत बहुत चीज़ों से हम भी गुजर रहे थे। हमारे पापा को कैंसर हो गया था और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उसके साथ में एक के बाद चल रही थी। तो उस पर लिखा है कि संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ। संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ, वो भीष्म सा अडिग सिंहासन के पथ पर। संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ, वो भीष्म सा अडिग सिंहासन के पथ पर मैं भीम सा बलवान, मैं भीम सा बलवान वो कर्ण सा महारथ, मैं भीम सा बलवान वो कर्ण सा महारथ, मैं अभिमन्यु सा तेज, मैं अभिमन्यु सा तेज वो शकुनी वाला कंश पथ, संघर्ष पथ पर मैं अकेला। थैंक यू, धन्यवाद। तो इसके आगे है कि संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ। मैं पवन सा था फैला हुआ, मैं पवन सा था फैला हुआ वो इंद्र सा था गर्जना, मैं पवन सा था फैला हुआ वो इंद्र सा था गर्जना, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम सा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम सा वो अभिमानी रावण था, मैं पृथ्वीराज सा दानवीर, मैं पृथ्वीराज सा दानवीर वो गौरी के कपटी पथ पर, संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथ पथ संघर्ष। और जब जब अपने लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, कभी कभी भी खुद को कम मत समझना। बार बार मैं कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि कभी खुद को कम मत समझना और कभी अपनी प्रॉब्लम को भी कम मत समझना, उससे लड़, एकदम मजबूती से लड़ना। तो आगे लिखा है कि संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ। मैं अर्जुन सा धनुर्धर, मैं अर्जुन सा धनुर्धर वो दुर्योधन अपने रथ पर, मैं अर्जुन सा धनुर्धर वो दुर्योधन अपने रथ पर, मैं कुरुक्षेत्र का वीर सिपाही, मैं कुरुक्षेत्र का वीर सिपाही वो चौसर के मध पथ पर, मैं कुरुक्षेत्र का वीर सिपाही वो चौसर के मध पथ पर, मैं कृष्ण के भांति सारथी, मैं कृष्ण के भांति सारथी वो गुरु दौर सा कर्तव्य सारथक, संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथ पथ संघर्ष। फिर उसके आगे लिखा कि भारत की आजादी के समय क्या चल रहा था और उसके बाद भी क्या चल रहा था इस देश में, कि संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ। संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ, मैं भारत सा शांति प्रेमी, मैं भारत सा शांति प्रेमी, और ये बात जिस जिस को समझ में आए तालियां जरूर बजाना, मैं भारत सा शांति प्रेमी वो चीन सा नापाक इरादा, मैं भारत सा शांति प्रेमी वो चीन सा नापाक इरादा, मैं पांडे हूं मंगल पथ पर वो कश्मीर पर अधिकार जताता। और आगे है, इसको राजनीति से ना जोड़ें, ये मेरी अपनी खुद की विचार है, इसको बाकी लोगों के विचारों से और जी टॉक्स के विचारों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, कि मैं पांडे हूं मंगल पथ पर वो कश्मीर पर अधिकार जताता, मैं अटल बिहारी सा प्रधान हूं, मैं अटल बिहारी सा प्रधान हूं वो मनमोहन सा गिड़गिड़ाता, मैं अटल बिहारी सा प्रधान हूं वो मनमोहन सा गिड़गिड़ाता, संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ, संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ। मैं विष्णु सा उद्धारक हूं, मैं विष्णु सा उद्धारक हूं वो ब्रह्मा सा ज्ञानरथ, मैं महेश सा संहारक हूं वो सृष्टि रचयिता एक ज्योति सा, मैं सूरज सा प्रकाश हूं, मैं सूरज सा प्रकाश हूं वो ग्रहण बन बैठा सूर्य पर, संघर्ष पथ पर मैं अकेला, लहू से लथपथ संघर्ष।
मेरे बड़े अजीज हैं, लोग मुझे कहते हैं कि आप प्यार वार पे क्यों नहीं लिखते। मेरे जिन दोस्तों ने मुझसे सुना है कि आप प्यार वार पे क्यों नहीं लिखते, आपने जीवन में प्यार नहीं किया तो कुछ देखा नहीं। तो मैंने राजगुरु की बुक पढ़ी थी, एक किताब है जो जिसमें राजगुरु भगत सिंह के बारे में बता रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि राजगुरु पूछते हैं, ये असेंबली में बम फेंकने से बहुत पहले की बात है, कि राजगुरु भगत सिंह से पूछते हैं कि यार तू प्यार वार क्यों नहीं करता, मतलब इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान सरदार, बॉडी वाडी अच्छी है, तू प्यार वार क्यों नहीं करता, लड़कियां तेरे आगे पीछे दौड़ती रहती हैं। तो वो कहते हैं कि इस गुलाम देश में, भारत जैसे गुलाम देश में, इश्क जैसे पाक चीज की अभी कमी है, वो अभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत प्यार बहुत पाक चीज है और इसको अभी इतनी जल्दी नहीं उकराया जा सकता। तो आखिरी 8 लाइनें मैं फटाफट खत्म करता हूं कि संघर्ष पथ पर मैं अकेला लहू से लथपथ, मैं वीर भगत सिंह सा हंसता तख्त पर, मैं वीर भगत सिंह सा हंसता तख्त पर, वो गांधी सा रोता चौरा चौरी पर, मैं बोश सा स्वतंत्र सेनानी, मैं बोश सा स्वतंत्र सेनानी, वो नेहरू से विभाजन रथ पर, मैं बोश सा स्वतंत्र सेनानी, वो नेहरू से विभाजन रथ पर, मैं सरदार पटेल सा लौह पुरुष, मैं सरदार पटेल सा लौह पुरुष, वो जिन्ना था रक्त पथ पर संघर्ष पथ पर, मैं अकेला लहू से लथ पथ संघर्ष। और आखिरी 4 लाइनें आप सभी लोगों के लिए, और ये जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उन सभी लोगों के लिए, कि अपनी प्रॉब्लम से लड़िए और जीतिए और आगे बढ़िए, कि संघर्ष पथ पर मैं अकेला लहू से लथपथ, संघर्ष पथ पर मैं अकेला लहू से लथपथ, किंचित नहीं भयभीत मैं, किंचित नहीं भयभीत मैं, जग को लूंगा जीत मैं, जंग रहेगी जीत की आखिरी सांस तक, हो सवार कर्तव्य रथ, बढ़ रहा मैं अपने पथ संघर्ष पथ पर, मैं अकेला लहू से लथ पथ संघर्ष।